कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों पर विधानसभा उपाध्यक्ष की ओर कागज उछालने का आरोप लगा है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कार्रवाई करते हुए 10 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बीजेपी पर निशाना साधा। इट इज अनफॉर्चुनेट वी हैव लेड आउट सम गाइडलाइंस सम रूल्स इन द हाउस रूल्स आर देयर नोबडी प्रिवेंट्स देम टू गो ऑन प्रोटेस्ट इन द वेल। वही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी विधायकों पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया। इट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी दे वांट टू सप्रेस द वॉइस ऑफ अपोजिशन। निलंबित किए गए बीजेपी विधायकों में सुनील कुमार, आर अशोक, सीएन अश्वथ नारायण, यशपाल आनंद सुरवणा, डी वेद व्यास कामत, अरविंद बेलाट, अराघा ज्ञानेंद्र, उमानाथ कोटियन, धीरज मुनि राजू और भरत शेट्टी वाई शामिल हैं। इन सभी विधायकों को इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।